सो हेलो बच्चा पार्टी, आज हम एक नई चीज सीखेंगे। लोन क्या होता है और गुड लोन क्या होता है और बैड लोन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लोन की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। लोन क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई पैसा कर्ज पे लेते हैं। लोन भी दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है। अगर मैं बैंक से लेने जा रहा हूँ तो वो फॉर्मल हो जाएगा और पापा से बोल रहा हूँ पापा 100 रुपये दे दो, मैं आपको दोबारा दे दूंगा, वापस शाम तक दे दूंगा या कल दे दूंगा या 1 महीने बाद दे दूंगा। तो पापा को देने के लिए क्या होगा, 100 रुपये का मुझे 100 रुपये वापस करना पड़ेगा पापा को। पर अगर बैंक के पास वही लोग 100 रुपये लेने जाऊंगा तो बैंक क्या बोलेगा, नहीं भैया मैं तो 100 रुपए नहीं लूंगा, मैं तो 101 रुपए लूंगा या 110 रुपए लूंगा, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा इंटरेस्ट। तो बैंक ऐसे ही काम करता है। बैंक हमेशा, या बैंक कोई भी इंस्टीट्यूट है जिससे तुम लोन लेते हो, वो तुमसे इंटरेस्ट लेता है, तो उसे बोलते हैं फॉर्मल लोन। और तुम अपने फैमिली मेंबर से ले रहे हो तो उसे इनफॉर्मल लोन बोल देते हैं। लोन मतलब क्या हुआ, किसी से पैसा लेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना। अब लोन अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये दो कंडीशन देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एक पढ़ा था हमने एसेट और एक पढ़ा था लायबिलिटीज। अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो गुड लोन क्या होता है, जिस ऐसी कोई चीज तुम खरीदो, मतलब लोन लिया तुमने, एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने 10 लाख लिया, बैंक से ही लेंगे हम लोग, इंस्टीट्यूट से ही लेंगे, ठीक है, पापा भी दे सकते हैं 10 लाख। पर अगर 10 लाख मैंने लोन लिया तो क्या किया, मैंने उसे घर बनवाया, या घर बनवाया, या तो सोचो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है घर बनवा के फिर उसमें से रेंट आने लग जाता है तो मैं उसे एसेट बना दे रहा हूँ। तो इधर भी अगर मैंने 10 लाख लिया और मैंने जमीन खरीद ली और मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था, मैंने जमीन खरीदी 10 लाख का तो मुझे इंटरेस्ट लगभग 1 लाख रुपए मान लो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, तो मुझे टोटल मनी कितना देना पड़ रहा था, 11 लाख रुपए देना पड़ रहा था अगर घर का पूरा इंटरेस्ट लेके और 10 लाख लेके, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए और जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो 10 लाख रुपए, तो टोटल मुझे वापस कितना पड़ेगा बैंक को करना पड़ेगा, 11 लाख रुपए। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में क्या लेते हैं, मान लो मैं कार खरीद रहा हूँ, कार खरीदूंगा तो क्या करूंगा, 10 लाख का उधर से भी लोन ले रहा हूँ, ठीक है। अब कार की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, मुझे पता है कार कैसी होती है, लायबिलिटीज होती है अगर तुम उससे कमा नहीं रहे हो तो कार तुम्हारी लायबिलिटीज होती हैं, तो उसके लिए तुम्हें मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए, पेट्रोल के लिए हर साल खर्चा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हो सकता है इस वाले केस में, जो घर वाला केस है, इसमें क्या होगा, वो वैल्यू बढ़ती जाती है, मैंने बताया था घर वाले केस में क्या होता है, वैल्यू बढ़ती जाती है, हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो हमारा 10 लाख का घर हो सकता है 15 लाख का हो जाए या 18 लाख का हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। पर कार के केस में ऐसा नहीं होगा, अगर मैंने 10 लाख की कार कोई खरीदी है तो अगर उसे 5 साल बाद बेचूंगा तो 10 लाख की तो नहीं बिकेगी, उससे कम की बिकेगी, उससे ज्यादा की तो पॉसिबल ही नहीं है बिकना, ठीक है, और ऊपर से मुझे खर्चा भी देना पड़ रहा था, तो ये सारी चीज बढ़ जाती है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाती है कार, और ये हमारे लिए एसेट बनता है। तो ऐसा लोन, अगर तुम लोन ले रहे हो और उससे एसेट खरीद रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड लोन बोल देते हैं, और ऐसा लोन जिससे तुम लायबिलिटीज खरीद रहे हो उसे बैड लोन बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे पास एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है। और जिंदगी में कोशिश करना हर चीज को एसेट बनाने की, हम लोग हर चीज को नहीं बना सकते पर कोशिश करना कि हम लोग जहां भी इन्वेस्ट करें या जहां भी पैसा लगाएं वो एसेट बने हमारा, क्योंकि हमारा एसेट ही मेन एम है हम लोग को रिच बनाने का, कि रिच कैसे बनना है तो एसेट से ही बन सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था गुड लोन और बैड लोन का। लोन क्या होता है आपको समझ आ गया होगा, गुड लोन क्या होगा जिससे हम लोग एसेट परचेस करें, बैड लोन क्या होगा जिससे हम लोग लायबिलिटीज परचेस करें। तो सिंपल डेफिनेशन में समझाने की कोशिश की है। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है यार, जो तुम्हें कहीं ना कहीं पढ़ा है, देखो 10th क्लास में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स में, उसमें तुमने लोन देखने के लिए मिलेगा। तो इस टॉपिक में ऐसा कोशिश कर रहा हूँ लाने के लिए आपके लिए, बच्चों के लिए, कि जो तुमने आसपास देखा हुआ है ना उसी से तुम सीखो, जो लाइफ में आगे चलने वाली है वो थोड़ा सा पहले सीख लो यार, क्या दिक्कत है ना, सीखा रहेगा तो आगे चल के काम आएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और फैमिली मेंबर को आप दिखा सकते हो वीडियो, हो सकता है पापा को नहीं पता हो, पापा मम्मी को भी नहीं पता हो, तो पापा मम्मी को पता चलेगा यार, हाँ गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है। तो कोशिश करो कि जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे एक और हम लोग पार्ट देखेंगे, कुछ और सीखेंगे। लास्ट वीडियो में एसेट और लायबिलिटी सीखा, इसमें गुड लोन बैड लोन सीखा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे एक और वीडियो आएगी। तो हर संडे मैंने सीरीज शुरू कर रखी है, मंडे टू सैटरडे हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे और संडे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। तो इसी मोटिव से मैंने ये सीरीज प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं कर रखी तो आराम से जब भी संडे को मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप बाय।